अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू कर रहे हैं एक ड्रग एक 1976 के ऊपर एक चैप्टर की जो है सीरीज वाइज जो है वीडियोज होंगी वो अपलोड होंगी, और इसमें किस तरह हमने समझना है, किस तरह लिखा जाता है ड्रग एक्ट और किस तरह पास होता है और किस तरह इसको पढ़ना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह हमने प्रिपरेशन करनी है ड्रग एक्ट की। सो पहले मैं एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ ड्रग एक्ट का, और उसके बाद जो है डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं बता दूँ ये ड्रग एक्ट 1976 है इसमें, और फार्मेसी एक्ट 1967 के अंदर, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि कौन सा 67 में कौन सा 76 में। तो इस चीज़ को याद करने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखें, फार्मेसी एक्ट पाकिस्तान की असेंबली से फर्स्ट जो है वो फार्मेसी एक्ट पास हुआ था, और उसके नेक्स्ट डेके के अंदर 1970s के अंदर ड्रग एक्ट जो है वो पास हुआ था। एक्ट जितने भी होते हैं वो पाकिस्तान की जो असेंबलीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, वहाँ से ये बिल पास होते हैं, इनका एक पूरा एक प्रोसीजर होता है। खैर उस प्रोसीजर में जाएंगे तो काफ़ी जो है लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम यही चीज़ समझ लेते हैं कन्फ्यूजन जो है कन्फ्यूजन होती है ड्रग एक्ट 1976 और फार्मेसी एक्ट 1967 के अंदर। एक चीज़ क्या याद रखनी है, फार्मेसी एक्ट पहला है, ड्रग एक्ट सेकेंड है। पहला जो फार्मेसी एक्ट है वो 1967 में पास हुआ है, और जो ड्रग एक्ट है वो 1976 में पास हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें, एमसीक्यूज वगैरह भी आ जाएंगे तो फिर ये इसका इशू नहीं होगा। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट स्टडी दिस एक्ट। मेरा एक पैटर्न था, एक्ट जितने भी हैं पॉइजन एक्ट है, फार्मेसी एक्ट है, ड्रग एक्ट है, या फिर इस तरह के जितने दूसरे एक्ट फार्मेसी में हमने पढ़े थे उन सब को मेरा एक पैटर्न था कि उसको पहले ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद डीप में जाते हैं, फिर और डीप में, फिर इस तरह जो है पूरा एक्ट अगर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा ईजी होता है। अच्छा, वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। जैसे ये है एक्ट 1976, ठीक है, ड्रग एक्ट 1976, इसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं, मीन्स फाइव चैप्टर्स के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, और चैप्टर्स इसलिए हैं कि किस तरह के सेक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, इस चीज़ के ऊपर जो है चैप्टर्स डिफरेंशिएट हुए हैं, वो आगे चलकर आप और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो है एक स्ट्रक्चर एक्ट का बताने का है कि एक्ट एक्ट के अंदर चैप्टर्स के अंदर कई सारे सेक्शंस, सेक्शन को जो डिफाइन करते हैं वो सब सेक्शंस, और सब सेक्शन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें और जो है उनके पॉइंट्स निकल रहे होते हैं, उनकी और क्लासिफिकेशन निकल रही होती है, तो उन चीज़ों को जो डिफाइन करती है वो क्लास करती है, और क्लास के अंदर भी कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जो अलग से सेक्शन नहीं बन सकती है लेकिन उन्हें डिफाइन करना है, तो फिर उस क्लास को डिफाइन करने के लिए फर्दर सब क्लासेस जो है वो क्लासीफाई हुए होते हैं। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। हमारे पास ड्रग एक्ट 1976 है, ठीक है, उस 1976 एक्ट के अंदर फाइव चैप्टर्स हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था जो इनकी क्लासिफिकेशन हुई है चैप्टर्स की वो इन बेसिस पे हुई है कि किस टाइप के सेक्शंस इस चैप्टर में मौजूद हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 1, 2 और 3, ये तीन सेक्शंस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हैं, और इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन करवाया गया है ड्रग एक्ट 1976 का। दूसरा जो चैप्टर है उसके अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको जो है डिफाइन किया गया है, और ये चैप्टर नंबर 2 जो शुरू होता है वो सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक, इसके अंदर मल्टीपल जो है वीडियोज़ बनेंगी, सो वो उसकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शंस हैं 2 और 4। ठीक है, फर्दर हम चलते हैं तो चैप्टर नंबर थ्री के अंदर जितनी भी प्रोहिबिशंस हैं, मींस कोई पाबंदियां हैं, वो सारी चैप्टर नंबर थ्री के अंदर डिफाइन की गई हैं, और चैप्टर नंबर थ्री शुरू होता है चैप्टर नंबर 23 से 26 तक। सेकेंड लास्ट जो हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर सेक्शन नंबर 27 से
सेक्शन नंबर 42 तक के जो है रूल्स हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 में पेनल्टीज हैं और जो है पनिशमेंट्स हैं। जैसे अगर कोई वॉयलेट करता है तो उसको कितने साल की प्रिजनर कैद होगी, कितनी उसके ऊपर जुर्माना होगा, 50,000,000 कितना होगा, वो सब चीज़ें चैप्टर नंबर 4 के सेक्शंस में हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो सेक्शन है इसके अंदर मिसेलिनियस जो है सेक्शंस रखे हुए हैं, जो दूसरी किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे उन्हें चैप्टर नंबर 5 में रखा है। और चैप्टर नंबर 43, 44, 45 ये तीन सेक्शन जो हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर आते हैं। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है ड्रग एक्ट 1976 का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और इसके अंदर ये ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा। ये ओवरव्यू तो इसलिए था कि किस तरह हमने पढ़ना है, किस तरह इसको समझना है और फिर किस तरह हमने इसकी जो है प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के लिए एक टिप मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी सेक्शंस हैं उनको याद करने से पहले आप एक पेज के ऊपर अगर फोर सपोज 42 सेक्शंस की हमें करनी है या 45 सेक्शंस की हमें प्रिपरेशन करनी है तो उनको इन्यूमरेट करना है और उनके आगे उन सेक्शंस के नाम लिखने हैं। अब नाम किस तरह के होंगे वो जब आपको चैप्टर नंबर 1 शुरू होगा तब आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह उसको इन्यूमरेट करना है। उसके अंदर उनकी कोई डिटेल नहीं लिखेंगे आप, ये आखिर का काम होगा लेकिन मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, अगर आप शुरू से करना चाहें तो वो भी बेहतर होगा। अच्छा, इस ओवरव्यू से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उन्हें क्लियर करूं और मुझे भी पता चले कि कौन सी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो स्टूडेंट्स को आ रही हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है जो मोर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होंगी उनके अंदर वो चीज़ें वो ट्रबल ना आए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।